पांच बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर चुकी मुंबई इंडियंस को 15वें सीजन में अपनी पहली जीत की बेसब्री से इंतजार है। शनिवार को पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल 2022 में रोहित शर्मा की टीम की यह लगातार चौथी हार थी। 4 मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में नहीं पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि टीम का इतिहास धीमी शुरुआत और बाद में वापसी कर रहा है। ऐसा चमत्कार मुंबई इंडियंस ने 2015 में किया था। हालांकि पूर्व गुजराती क्रिकेटर इरफान पठान मुंबई लौट आए हैं और 2015 के इस कारनामे को दोहराने की संभावना में इनकार किया है। उन्होंने उन कमजोरियों को उजागर किया है जिनकी वजह से टीम को मैच हारे हैं। मुंबई इंडियंस के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसा अब तक 4 बार हुआ है जब टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है। 2008, 2014, 2015 और 2022 ऐसे साल हैं जब मुंबई ने लगातार 4 मैच गंवाए हैं। 2015 तक ऐसा साल था जब मुंबई इंडियंस ने 10 में से 8 मैच जीतकर प्लेऑफ में पहुंची थी। इसके बाद टीम ने खिताब अपने नाम किया। पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि जसप्रीत बुमराह का समर्थन करने के लिए मुंबई के पास गेंदबाजी विकल्प की कमी है, इसलिए 2022 में ऐसी वापसी की संभावना नहीं है। इरफान पठान ने कहा है, मुंबई इंडियंस को पता है कि ऐसी स्थिति में कैसे वापस आना है। मुंबई की टीम ने 2014 और 2015 में यह चमत्कार किया है। उनकी स्थिति 2015 में भी ऐसी ही थी जब टीम ने वापसी की और खिताब जीता, लेकिन वह टीम थोड़ी अलग थी। मुंबई के पास इस साल बुमराह का साथ देने के लिए कोई गेंदबाज नहीं है। कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मुंबई इंडियंस वापसी कर पाएगी या नहीं, अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।